हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम में। दोस्तों, टीजीटी पीजी छात्रों के लिए बहुत बड़ी यहाँ पे खुशखबरी निकल के आ रही है। आज की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही, केवल और केवल इन चार सब्जेक्ट की ही कट ऑफ सबसे कम जाएगी। फैसला आपका जारी हो गया यहाँ पे और इनकी मैं फाइनल कट ऑफ बताऊंगी। इससे एक क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं जाएगी ना कम जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ बिल्कुल फिक्स मैं आपको बताऊंगी चार सब्जेक्ट कट ऑफ। अगर आपकी है चाहिए, चार सब्जेक्ट आपने लिया तो बहुत अच्छी बात है। इनकी कट ऑफ कम जाएगी, इसका रीज़न क्या है मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ। सबसे पहले बता दें, इनका जो पेपर था वो थोड़ा हार्ड आया था, इसलिए जो है इनकी कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी देखने को मिलेगी। हालांकि आपको यह भी पता होगा टीजीटी कट ऑफ सारे विषयों की कम जाएगी, सभी विषयों की, लेकिन उसमें स्पेशल चार सब्जेक्ट है जो मैं आपको यह आज बताऊंगा। फैसला आपका अब जारी हो गया तो मैं आपको यहाँ फिक्स बताऊंगा कि चार सब्जेक्ट कौन है और उनकी फाइनल भी कट ऑफ बताएंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलो भाई, फाइनल कट ऑफ पहले तो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हिंदी को, अगर आपकी हिंदी है ठीक है और आप जनरल कास्ट से हैं, ठीक है जनरल कास्ट से हैं, ठीक है जनरल से हैं, आप ध्यान समझिएगा। बस एक बार की वीडियो की बात है, केवल एक वीडियो देख लो। और OBC और EWS बराबर, अगर आप कितने मार्क्स से इतने चांस क्वेश्चन बन रहा है तो बिल्कुल आप परफेक्ट बिल्कुल तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें क्या है कि आपका SC ST है, ठीक है। अगर हिंदी में TGT से, ठीक है, अगर आपके यहाँ पे अगर 80% सही किए हैं तो आपका जनरल से हो जाएगा, ठीक है। अगर 78% किए हैं, अब इसका रीज़न क्या है, इतना ही क्वेश्चन अगर आपने सही किए तो बिल्कुल हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 76% सही किए तो बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। इससे ज़्यादा मार्क, इतने ज़्यादा क्वेश्चन सही किए तो फिर कोई बात नहीं, तो फिर आप तो बिल्कुल श्योर है। अगर इतने तक हैं तो आपका बिल्कुल श्योर हो जाएगा। हिंदी में जनरल से 80, EWS OBC में 78 और SC ST कास्ट में 76। चलो आप अगला देखते हैं। चलो भाई, अब मैं दूसरा सब्जेक्ट यहाँ बताने जा रहा हूँ, जिसके लिए भाई देखो चार सब्जेक्ट जिनके भी ये हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है, ठीक है। तो अब दूसरा सब्जेक्ट है आपका यहाँ पे साइंस, ठीक है। अब इनका रीज़न बताएंगे, इनके क्वेश्चन, इनके आपके कट ऑफ कम जाएगी, इसका रीज़न है कि पेपर इस बार बहुत हार्ड आया था, पहले की अपेक्षा ही हार्ड आया था। तो इस बार सब सीट आवेदन औसत दावेदार सब कुछ देखते हुए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बताया। तो यहाँ सबसे पहले आपको बात करते हैं जनरल की, जल्दी जल्दी में, ठीक है, देख लीजिए आप EWS OBC, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि SC ST कास्ट है, ठीक है। अब वीडियो बीच इंपॉर्टेंट बात बताएंगे तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। PGT वाले छात्रों के जो रिजल्ट में फिर से बदलाव हो सकता है, इसका रीज़न क्या है वो बताएंगे वीडियो के बीच में। और अगर साइंस में आपके 81% है तो आपका एज जनरल से हो जाएगा। अगर 79% है आपका, 79% EWS OBC में हो जाएगा। अगर 77% आपने SC ST कार्ड से किया है साइंस की बात है तो आपका हो जाएगा। अब तीसरा देखते हैं, अब वीडियो के बीच इंपॉर्टेंट बात बताएंगे तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तीसरा है आपका मैथ, ठीक है। मैथ में भी ऐसे ही कट ऑफ आपकी जाएगी, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। इन चार सब्जेक्ट कट ऑफ काफ़ी कम देखने को मिलेगी। यह है आपका SC ST कास्ट, ठीक है। तो मैथ में क्या है कि मैथ में अगर आपने 81% किए तो आपका हो जाएगा, और 79% किए तो आपका EWS OBC में हो जाएगा, और आपके 77% किए आपने SC ST कास्ट से, मैथ से, तो आपका भी हो जाएगा। अब अगला देखते हैं। चलो, अब चौथा विषय का ये कि कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी इनकी अपेक्षा क्वेश्चन की, ठीक है। चौथा आपका इंग्लिश है, ठीक है। यह आपका जनरल है, ये आपका EWS है और OBC है, आपका ये SC ST है, SC ST है, ध्यान समझिएगा। अगर इंग्लिश में जनरल से आपने अगर 86% किए हैं और इसमें 84% किए, इसने आपने आपने 82% किए हैं तो आपका हो जाएगा SC ST कास्ट में, आप मुझे पता है, ठीक है। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा अच्छा लग गया तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले।